हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यहां पर Redmi Note 4 के लिए Flyme OS 8 का पोर्ट आ गया है। तो आज के वीडियो में गाइस हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कुछ इसके फीचर है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन से बग आपको इस रोम के साथ देखने को मिल सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस इंस्टॉल हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी गाइस सबसे पहले तो मैं आपको इसका रोम का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसके अबाउट फोन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन की तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Flyme OS 8 का भी सपोर्ट आपको इस रोम के साथ देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो यहाँ पर नवंबर 2019 का आपको इसके अंदर सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। कर्नल की बात करें तो गाइस कर्नल आपको ऐसा भी एंड्रॉइड पाई का है उसको इस रोम के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर की, तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आप उसको बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर गाइस आपको इसका अपना खुद का जो ऐप स्टोर है वो देखने को मिल जाता है, इसके थ्रू आप कोई सा भी ऐप वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पर आपको गेम सेंटर भी MIUI की तरह देखने को मिल जाता है, तो इसको भी अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस इसका खुद का सिक्योरिटी ऐप भी है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये गाइस आपको सिमिलर टू MIUI देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI की तरह ही यहाँ पर सारे फीचर वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर गाइस आपको एंटीवायरस भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाता है, तो आपको थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर यानी कि ड्यूअल स्पेस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ड्यूअल ऐप आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर साइड में आपको साइड बार दिया गया है, MIUI की तरह ही यहाँ पर आप अपना ऐप वगैरह डाल सकते हैं, कोई भी नोट वगैरह तो भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, और आपका जो भी फिटनेस ट्रैकिंग है वो भी यहाँ पर आप अगर शो करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद गाइस इसमें आपको थीम ऐप भी देखने को मिल जाता है, तो आप अपने मुताबिक कोई सा भी थीम है उसको यहाँ से इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारा थीम देखने को मिल जाता है। इसके अंदर गाइस आपको प्री इंस्टॉल 3 थीम देखने को मिल जाता है, आपको जो भी थीम पसंद है उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी गाइस मैं आपको इसका सेटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको डार्क मोड सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं तो इस प्रकार से इसका जो डार्क मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और गाइस इसमें एक अच्छा फीचर है कि इसका जो वॉलपेपर है वो भी अपने आप चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ऐप्स में डार्क मोड सपोर्ट करता है उन सभी ऐप्स में यहाँ पर आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। और गाइस इसमें आप MIUI की तरह ही जो शेड्यूल वगैरह कर सकते हैं, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आई प्रोटेक्शन यानी कि रीडिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। हालांकि ये ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, पर अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन यानी कि रीडिंग मोड है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर कलर टेम्परेचर अगर आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो कलर टेम्परेचर आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इजी मोड भी देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से कुछ ऐप्स है वो आपके इनेबल रहेंगे, बाकी सारे ऐप्स आपके डिसेबल हो जाते हैं। उसके बाद गाइस इसमें आपको डिस्प्ले सेटिंग में इतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके नेविगेशन एंड शॉर्टकट की, तो यहाँ पर गाइस नेविगेशन में आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एम बैक की बात करें तो इस प्रकार से आपको आईफोन की तरह यहाँ पर एक ही बटन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद इजी जेस्टर आपको देखने को मिल जाता है, MIUI की तरह ही ये वर्क करता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। उसके बाद ऑल स्क्रीन जेस्टर यानी कि सभी आपके जो जेस्टर है वो वर्क करेंगे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से इसका जो जेस्टर है वो वर्क करता है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड का जो नेविगेशन की है वो भी देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शन पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे फीचर की, तो यहाँ पर आपको जेस्चर बैकअप भी देखने को मिल जाता है। हालांकि गाइस ये ठीक तरीके से आपका वर्क नहीं करेगा, पर ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप अपने लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो ये बैकअप हो जाता है। इस प्रकार से कुछ इसके जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको इसके अंदर फीचर वगैरह देखने को मिल जाता है। अभी गाइस मैं आपको इसके बग्स क्या क्या है वो बता देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको अपने मोबाइल के साथ इस रोम को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आपने गाइस यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इसका जो नोटिफिकेशन लाइट है वो हर वक्त यहाँ पर ऑन रहता है,
तो इसको ऑफ करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप इसको लॉक करते हैं अपने मोबाइल को फिर भी ये ऑन रहता है। इसको ऑफ करने का एक ही तरीका है गाइस कि आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे तभी ये ऑफ होता है, बाकी हर वक्त ये ऑन रहता है। तो ये एक बग आपको इस रोम के साथ देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर इंटरनेट और कॉलिंग वर्क करता है, यानी कि आप अपना जियो सिम वगैरह इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा ऐप की, तो कैमरा ऐप ठीक ठाक वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है, पर कभी कभार आपका ये बटन वगैरह है वो नीचे देखने को मिलता है, तो आप इसको ठीक तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते। बाकी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ठीक तरीके से वर्क करता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन सेट और क्विक सेटिंग की, तो यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन है वो डिसेबल मिलता है, तो इसको भी आप इसके साथ यूज नहीं कर पाते। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो रीडिंग मोड का बात किया था मैंने, वो रीडिंग मोड भी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो इसके साथ आप रीडिंग मोड को भी यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वाईफाई डिस्प्ले का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, इसके साथ आप वाईफाई डिस्प्ले को भी यूज नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको इस रोम के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी का इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मिला नहीं है, और अगर मिल जाता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर गाइस आपको ये रोम अच्छा लगा और डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपके कोई भी सवाल है इस रोम के रिगार्डिंग या फिर मेरे वीडियोज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइस ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।